आज हम आपके साथ तीन झींगा रेसिपी बनाने का विधि शेयर करने जा रहा हूँ। पहला रेसिपी मसाला झींगा रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको खाने के बाद आप सिलका भी नहीं फेंकोगे, इतना स्वादिष्ट है। झींगे को ले, सिर को हटा दे ताकि आसानी से नसें निकल जाए। फिर एक झींगे के फीट में कट लगाए, उसी मात्रा में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर ले। गरम तेल में झींगे को डाल के अच्छी तरह भून ले। फिर मूंगफली के आकार में कटा हुआ आलू को डाल दे और थोड़ा सा भूरा लाल होने तक भून ले। फिर अदरक लहसुन सूखा मिर्च पिसा हुआ पेस्ट डाल दे और अच्छी तरह लाल होने तक भून ले। फिर फ्राई करके रखा हुआ झींगा और आलू को डाल दे और अच्छी तरह भून ले। इसके बाद प्याज डाले और तेज आंच पर भून ले। आखिर में थोड़ा सा तिल डाल दे। दूसरा रेसिपी झींगा हॉट पॉट रेसिपी। एक पॉट में गर्म पानी उबाले, अपने पसंदीदा वेजिटेबल उबाल ले। फिर गरम तेल में प्याज अदरक लहसुन महक आने तक भून ले। फिर थोड़ा सा सॉस डाल दे और महक आने तक भून ले। और उबला हुआ झींगा वेजिटेबल फिर इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करके और अंत में थोड़ा सा तिल और धनिया पत्ता डाल दे। आपका झींगा रेसिपी रेडी हो जाएगा। तीसरा रेसिपी झींगा किंग प्रॉन रेसिपी। इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। पहला झींगे को सिर काट दे और उसका सिलका निकाल दे। फिर झींगे का पीट में एक कट लगाए। सोया सॉस नमक काली मिर्च थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर ले। कटोरे में दो अंडा फोड़े, ये झींगे को कुरकुरे और मज़ेदार बनाएगा। फिर एक सेमिया ले और सेमिया को उबाल ले। ऊपर से थोड़ा मशरूम और पके हुए झींगे को प्लेट का ऊपर अच्छी तरह सजा ले और गरम और पानी में अच्छी तरह बॉईल कर ले। इस तरह आपका झींगा रेसिपी रेडी हो जाएगा।